परम सत्कार योग साहिब कृपालु दाता जी दी पाक पवित्र हाजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी खालसा साध संगत जी सारियां तो पहला परवानो गुरफते दी सांझ आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। जिथे धन धन बाबा नंद सिंह जी कलेरां वाले उन्हां दी सलाना मिठी याद अंदर गुरद्वारा नानक सर ठाट मडीरा श्री मान संत बाबा बलदेव सिंह जी और समुचियां संगतां दे प्यार विच महापुरखां वल्लों हर साल वड्डे महापुरखां दी याद मनाई जांदी है। उत्थे अदब सत्कार नाल आपां सारे भैण भाई नगर निवासी नानक नाम लेवा सिख संगत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी छत्र छाया हेठ अमृत वेले तो जुड़ बैठे हाँ। चल रहे श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग संपूर्ण होए ने, उपरंत आरती दे शब्दां दा कीर्तन गुरमुखां पासों सुनिया। उस समय तो लै बेअंत महापुरख गुरु के कीर्तनिए वेखो गुरमुखो, एक पासे भयानक महामारी दा समय, दूसरे पासे सिख जान तली ते रख के आए ने कि महापुरशां दी याद अंदर असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गोद विच जाणा। मेरे दाता जी आप रहमतां करियो, अमृत वेले तो जिन्हियां नगरां विचों संगतां आईयां ने, भावें कि संगतां नूं बेनती कीती गई कि ज़्यादा इकट्ठ ना होवे, पर प्यार अगे नेम टुट जांदे ने। गुरु के सिखो उस करते ने जिन्हें सारी दुनिया साज के अपनियां रहमतां विच भरियां ने, उत्थे आपां अरदासे कर रहे हां। गुरु प्यारे खालसा जी, जिस वक्त तेग बहादुर साहिब जी दे 57 श्लोकां दा सिमरन होया, 19 रागां दे धनी हजूर बाणी अंदर अज जिंदगी ते मौत बारे सानू खुल के बयान पै करदे ने। पिछले साल मैं एक घटना दा जिक्र कीता सी, सिख बाणी बिना पत्ता टाणी बिना मच्छी पानी बिना पहिया धुरे बिना ते कोला अग बिना कदे दग नहीं सकदा। गुरसिखो धन बाबा नंद सिंह जी कलेरां वालिया ने उस परमेश्वर नू सिमरिया ते अज दुनिया उन्हां दी जय जयकार कर दिए। लखां दुनिया ते आए आके चले गए, पर जिस दिन परमात्मा दी याद विच गुरु का सिख जुड़ जांदा है, उस दिन तो प्यार वालियां रूहां भेज के उन्हां प्यारियां नूं चेते कर दियां ने। गुरु प्यारे खालसा जी किन्नी रहमत ते दया है गुरु नानक दे घर अंदर धन बाबा नंद साहिब जी ते त्रुट पै एडियां वड्डियां कमाइयां बाबा जी दी झोली विच पाईयां। अज तक बाबा जी दी जय जयकार करन वाले गुरु के सिख प्यार विच भेज के उन्हां दियां यादां मना रहे ने। गुरु के सिखो उस करते ने अपनी होंद बनाउंदियां कादर ने कुदरत अंदर कैसे रंग भरे ने। जदों आपां परमात्मा दी बंदगी विच जुड़ांगे ते किन्नियां कु रहमतां गुरसिख दी झोली विच पा दिंदा है। गुरु प्यारे खालसा जी एक वक्त गुजरिया, क्योंकि गुरमुखो कोई आखदा है मेरा परिवार वड्डा, कोई आखदा है मेरा कारोबार वड्डा, असल वड्डे ओ गुरसिख ने जेड़े सिर झुका के आखदे ने
मेरा बाजा वाला सरदार वड्डा वाहिगुरु मैं एनक मुल खरीद सकदा है मैथों निगाह नहीं खरीदी जाती मैं बेड मुल खरीद सकदा है मैथों नींदा नहीं खरीदियां जांदियां कलगी वालिया तेरे दरबार अंदर मैं बड़ा कुछ खरीद के लिया सकदा है पर मैथों सा नहीं खरीदे जाते गुरमुखो किन्ने साल हो गए बाबा जी नूं सच खंड गया अज तक उन्हां महापुरखां नूं शरदा दे फुल भेंट करन वाले लखां महापुरख हर साल उन्हां दीआं यादां मनाउंदे ने ते अज अमृत वेले तो किन्ने महापुरख हाजरियां लवा के गए ते किन्ने लवा रहे ने पर मन विच इको चाओ है वाहिगुरु जी तेरे गीत गाउंदियां तेरे प्यार विच भिजदियां अखीरले साह निकल जाण गुरु के सिखो बंदा बड़ा जोर लाउंदा है जी मैं अपनी मर्जी नाल जिंदगी जिउणी चाहुंदा एक फारसी दे विद्वान नूं उहने चंद शब्द महाराज दे प्यार विच ते कुदरत विच भिज के लिखे ने वह कहिंदे सजणा कुदरत ने बनाया तैनू कैसा तेरे विच अपनी जोत जगाई बैठा है कोई हसी जांदा है कोई रोई जांदा है दुनिया दे रंग विच पाणा मनवाई जांदा है कोई मुड़ मुड़ के याद आउंदा है कोई तुरदा फिते लाणता लैके पता नहीं वक्त कहो जे वरतारे वरताई जांदा है जेड़ा कर जांदा है सच्चे नाम दी कमाई ओनू वार वार जग याद करे ओ अखां दे मूहरे आई जांदा है गुरमुखो मर माड़िया भी जाने मर तकड़िया भी जाने मर किसे फकीर ने शरीर करके तुर जाने पर उन्हां दीआं जादा किवें कैम रहिंदियां ने उस सज्जन ने बोल लिखे ने ओ करते दा बनाया बंदा इंसान तुरिया जांदा है हुण वेखो जेड़ी पावर हजूर ने अपने नेत्रां नूं बख्शी है आम आपां बाबा जी दे जीवन विच पढ़दे आं जी उन्हां प्रतख गुरु नानक दे दीदार कीते उन्हां गुरु नूं पाया जे उन्हां गुरु नूं पा लिया ते अज उन्हां नूं याद करन वाले करोड़ां ने जेड़े उन्हां दा नाम लैके प्रशादा छकदे होणगे गुरु के सिखो बिल्कुल ठेठ पंजाबी विच मैं एक आप जी नाल वार्ता सांझी करनी चाहना उस सज्जन ने बोल लिखे ने भावें वह विद्वान फारसी का है वह कहिंदा एक सज्जन तुरदा पिया है हुण वेखो जेड़ी पावर करते ने अखां नूं बख्शीए वह पावर हत्थां कोले नहीं जेड़ी पावर हत्थां नूं बख्शीए वह पैरां कोले नहीं जेड़ी पैरां नूं बख्शीए मुख कोले नहीं मेरे परमात्मा ने शरीर दे पार्ट बनाए ने एक किसे दा पासा रुक जांदा जी जिहनूं अधरंग कह दिंदे हो ना बंदा मरिया है ना जिउंदा है अध विचकाले लटकदा है ते जिन्हां दी नेत्रां दी जोत चली जाए आपां आखदे आं जी जदों दुनिया ही नज़र नहीं आई बंदे दा जीवन की है बजुर्गां बोल कहणे अखां गईआं जहान गया दंद गए स्वाद गया गुरसिखो शरीर दा एक हिस्सा कम छड जाए ते बंदा कपड़े पाउण लगा रोंदा है कि मेरी बांह कम नहीं करदी मेरे पाँव नहीं चल सकदे गोडे गिटे रुक गए ते सजणा जिद्दे सारा शरीर रुक गया उहदे पछतावे विच बैठेगा मैं परमात्मा दा नां नहीं लिया उस सजण ने बोल लिखे ने जी कहिंदे गुरु दा प्यारा तुरदा है उहदे नेत्रां ने एक पक्या फलां दा बूटा तकिया हुण वेखो मैं बेनती शुरू कित्थों करन लगा ते समाप्ति धन बाबा आनंद सिंह जी बचन ते करांगे उन्हें जदों पक्के फल वेखे ना जी पक्का फल वेख्या की ने गुरमुखो इन्हां अखां ने हुण जिहदे अख नहीं उह नहीं तक सकदा किन्नी कु दुनिया है कहो जे दुनिया दे रंग ने मैं एक बेनती जरूर करांगा जी जिस वेले कच्चे घरां विच बाबा आनंद सिंह जी ने नाम जपया होएगा उदों हो सकदा है चोले खदर दे होणगे उदों बजुर्गां दे कमीज खदर दे होणगे पर गुरमुखो वल कल्ले झग्गियां विच होणगे ढिड्डां विच नहीं होणगे अज वाला झग्गे च पैण नहीं दिंदा ते ढिड चों निकल नहीं दिंदा ओह गुरसिखा तैनूं महाराज दे दीदार किवें होणगे गुरु के सिखो जिहड़ा बंदा अंदरों वल रखदा जी
बेईमानी ते धोखा ठगियां कर दे ओनू गुरु नानक नजर नहीं आएगा। पर गुरमुखो कपड़े विच वल पै गया सर जाएगा, जिदे ढिडा विच वल पै जांदा ना ओदे बाबा मुखड़ा फेर लैंदा जी। गुरु प्यार वालियो उस बंदे दे नेत्रां ने ਉਹ ਪੱਕਿਆਂ ਲੱਦਿਆ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਫਲ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਪੈਰ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਬੂਟ ਪੈਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸੋਂ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ? ਫਲ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਲਏ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੈਰ ਗਏ, ਪੈਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬੇਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੋੜ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮਰੋੜ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਮਿੱਠਾ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂਣ ਸਲੂਣਾ ਮਿੱਠਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤਾਂਤੀ ਤੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੱਕਿਆ ਫਲ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਪੈਰ ਗਏ, ਤੋੜਿਆ ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਚਾ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਮਿੱਠਾ ਕਿ ਖੱਟਾ। ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਏ ਪਰ ਕੋਲੇ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਪਲਾਈ ਗਾਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ, ਅਨਸਨ ਸਾਜੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਤੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਚੱਖ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਸਪਲਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜਣੋ ਇੰਨੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਬੂਟੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਮਾਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਫਲ ਮੈਂ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਪੈਣ ਢੂਈ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਢੂਈ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਢੂਈ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਨਾ ਢੂਈ ਕੱਲੀ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਚ ਰੋਲ ਤੇ ਵੱਜੀ ਢੂਈ ਦੇ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜੀ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੀ ਸਾਜੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੂੰ ਪਕੜ ਲੈਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦ ਢੂਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਪਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ, ਚੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵੱਜ ਢੂਈ ਦੇ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਢੂਈ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਵੱਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਭਲਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਛਤਾਵਾ ਉਸੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹੋਇਆ
जिन्हें सारियां तो पहला पक्या फल वेख्या। मैं इस घर दा कीर्तनियां होण दे नाते ज्यादा समा ना लवां, क्योंकि गुरमुखो जद तो सुरत संभली बाबा जी दी उंगल पकड़ लई उदों ते दाढ़ी भी नहीं सी उतरी। अज बाबा जी ने दुनिया दे कोने कोने च घुमा दिता, पर जिदे किते बरशी वाला दिन आउंदा ना जी किते होइए इन्हां दे चरणां दी सेवक मां लई दीए। मैनूं हुक्म सी महापुरखां दा भावें 5 मिंट ही लग जाण तुसीं जरूर लाउणे ने, जथे होर ने मगरले पासे। मैं अपना समय नूं संकोचां गुरमुखो, क्योंकि अपने घरे ते जथे आए ने एडे एडे महान प्रचारक आए ने, आपां उहनां दी चरण धूड़ लैणी है। आओ समाप्ति विच सारे पढ़ियो, अगला समा बाबा जी तो श्रवणा करांगे प्यार विच। सारे पढ़ियो जी। ऐनी जोगे है नी सी अज झिड़ी कृपा करती, ऐनी जोगे है नी सी अज झिड़ी कृपा करती, ऐनी जोगे है नी सी अज झिड़ी कृपा करती, ऐनी जोगे है नी सी अज झिड़ी कृपा करती, ऐनी जोगे है नहीं सी अज झिंडी कृपा करती, जोगे है नहीं सी अज झिंडी कृपा करती। तू कर मेरा दे आ गया बाबा, कर मेरा दे आ गया वाहे, तू कर मेरा दे आ गया साइया, कर मेरा दे आ गया, कर मेरा दे आ गया साइया, कर मेरा दे आ गया, तू कर मेरा दे आ गया साइया, कर मेरा दे आ गया, कर मेरा दे आ गया तेरे चरनी हाजरी परती, तू कर मेरा दे आ गया तेरे चरनी हाजरी परती, कर मेरा दे आ गया तेरे चरनी हाजरी परती, तू कर मेरा दे आ गया तेरे चरनी हाजरी परती, तू ही कृपा करती वाहेगुरु, तू ही कृपा करती वाहे, तू ही कृपा करती वाहेगुरु, तू ही कृपा करती, तू ही कृपा करती वाहे गुरु, तू ही कृपा करती, तू ही कृपा करती वाहे गुरु, तू ही कृपा करती। गुरु प्यारे खालसा जी, बहुत छोटा समागम रखिया सी, बाबा जी कहिंदे बस आपां अमृत वेले भोग पा के समाप्ति कर देनी है, पर गुरमुखो मैं तड़के तो हैरान हाँ, जो महापुरखां नूं चंगा लगदा हो रहा है, बंदे दे वासों ने छड्डे ही कख नहीं जी। एक पल विच सदा दी नींद सवा सकदा है, ते एक पल विच भिखारी नूं राजा बना सकदा, ते जिन्हां महापुरखां दा बाबा बलदेव सिंह जी होणा नाल प्रेम है ना, वो अमृत वेले तो कि कल शाम तो लैके हाजरियां लवा रहे ने। बाबा जी अज की रहण सबाई नहीं कीती, ऐतकी समागम छोटा रख लिया, पर गुरमुखो ख्याल करियो हैजा भी आया, चेचक भी आया, बहुत बीमारियां वड्डियां वड्डियां आईयां आ के गईयां, पर जिहड़ी आ भयानक बीमारी दा हुआ है ना जी, एक करोना ना मरदा, पता नहीं मरदा कि नहीं मरदा, सॉरी दिहाड़ी अंकड़े गिणी जांदे, 200 हो गया जी बाजो, 250 हो गया जी बाजो, ते एक एक पिंड च तीन तीन सिवे अटैक ना बली जांदे जी, इहनूं अटैक हो गया जी, गिणती कोई नहीं। पर गुरमुखो सच करके जाणियो पोले पैरी कोई रब नूं चेते नहीं करता जी, इदां भी परमात्मा है ही नहीं, पर गुरमुखो जिहड़ा एक दूजे नूं जफियां पापा मिलदा सी ना, 3 फुट तो चीकां मारन लग जांदा, माड़ा जिहा परे रह, सति श्री अकाल तां इन्नी बहुत हुंदी है, इहदा मतलब छित्तरां दी मारी 9 मण चढ़दी है, कोई नहीं मंदा गज के आखो सतना। ते गुरु के खालसा जी इतनियां कि बेनतियां प्रवान, आओ आउण वाला समां सकत्तर साहिब श्रवणा करो, इस घर दे कीर्तनीए होण दे नाते महापुरखां तो जिंदगी जिउण दी जाच लैके गए, छोटे हुंदिआं ते हर वर्षी सेवा महापुरख लै लैंदे ने, फुल्लां साडी झोली च पायो। आओ हुण अगला समां सकत्तर साहिब उहनां तों सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह।